एक और कोरोना और एक और महंगाई दीपावली के समय में आम जनता को रुला रही है। इन दिनों खाद्य तेलों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी सीधी असर आम आदमी की जेब पर पड़ रही है। सिंगतेल और कपासिया तेल के दामों में इजाफे से व्यापार पर उसकी विपरीत असर हुई है। वैसे भी कोरोना के चलते जहां व्यापार कम था, उसमें दाम बढ़ोतरी से कहीं ना कहीं तेल के व्यापारियों के लिए दिवाली अच्छी नहीं गुजरने के आसार है। वहीं तेल के व्यापारियों की माने तो इस वर्ष 40% कम व्यापार हो रहा है, जबकि दीपावली पर्व खत्म होने तक तेल के दामों में गिरावट के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एमां एवुं छे के अमारे ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया नी अंदर 70% जेवुं पामोलिन तेल नुं वेचाण थाय छे, जे पामोलिन तेल मलेशिया अने इंडोनेशिया थी आवे छे। एना रेट त्यां आगळ एटला बधा ऊंचा छे, एना लीधे आपणा लोकल तेल जेवा के सिंग तेल छे, कपासिया छे, ए बधा तेल अत्यारे ऊंचा थई गया छे। કેમ કે પામોલિન તેલ જ ઊંચું હોય એટલે આપણા લોકલ તેલ ઓટોમેટિક ઉપર થઈ જ જાય છે। ઘરાકી જેવું લાગતું તો છે જ નહીં, કેમ કે ઘરાકી અમારે 30-40% જેવું ઓછું જ છે કોરોનાને લઈને। આમ આપણા ગુજરાતની અંદર તો સૌથી વધારે કપાસિયા તેલનું જ વેચાણ છે, જે ખાવાવાળો વર્ગ લઈ જાય છે। આમ ફરસાણવાળાને એ લોકો પામોલિન તેલ વાપરે, પણ જે ખાવાવાળો વર્ગ છે એ લોકો તો કપાસિયા તેલ જ વાપરે છે। એવું લાગે છે દિવાળી પછી 10-15 દિવસ પછી, દેવ દિવાળી પછી તો ઘટી જ જશે થોડું બજાર, એવું લાગે 100-200 રૂપિયા ઘટવા જોઈએ ડબ્બે।